नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। सुस्वागत है आपका हमारे चैनल पे, दैट इज अचीव आईएएस। तो दोस्तों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका पर्पस है आपको डराना। जी हाँ, आपने सही सुना, ये वीडियो का पर्पस है सोलली आपको डराना। और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, 3-4 मिनट में आपको प्रॉपरली डरा के हम ये वीडियो खत्म कर देंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि एयर पोल्यूशन हमें कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो मंथ चल रहा है दोस्तों मई, और ईयर है 2019। और ये जो मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, वो रिपोर्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट, जो लीडिंग मेडिकल रिसर्च बॉडी है इंडिया की। तो उस बॉडी की जो फाइंडिंग्स है उसको मैं आपके सामने हाईलाइट करूंगा। इनफैक्ट ये जो रिपोर्ट थी ये आई थी आपकी दिसंबर 2018 में, बट मुझे लगा कि ये रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है, सो दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ मेकिंग वीडियो ऑन दिस रिपोर्ट। तो दोस्तों चलिए अब स्टार्ट करते हैं, तो रिपोर्ट में देखते हैं कि रिपोर्ट ने क्या पाया। तो दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट पहली ऐसी रिपोर्ट है जो कम्प्रीहेंसिव स्टडी है, जो ये स्टडी करती है कि डेथ्स और डिजीजेस कितनी ज्यादा हो रही हैं एयर पोल्यूशन की वजह से इंडिया में। तो दोस्तों बात करते हैं, बिल्कुल ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दूंगा, बिकॉज मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, बस 2-3 मिनट की बात है। जो डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग है कि एयर पोल्यूशन का क्या असर पड़ रहा है हमारी इकोनॉमी पे, हमारी सोसाइटी पे, वो सारी डिटेल्ड एनालिसिस इस वीडियो में नहीं हो पाएगा। सर्टनली इतने 2-3-4 मिनट की वीडियो में ये नहीं हो पाता। तो इसमें सिर्फ हम ये देखेंगे कि कितनी डेथ्स हो रही है और डिजीजेस हो रही है एयर पोल्यूशन की वजह से, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट कह रही है। तो दोस्तों, इन्होंने एनालाइज किया और देखा कि जो हर 8 डेथ्स होती हैं इंडिया में, उनमें से हर एक जो डेथ है उसका कॉज है एयर पोल्यूशन। और यह भी पाया गया कि एयर पोल्यूशन अब स्मोकिंग से ज्यादा बड़ा कारण है डिजीज बर्डन के लिए। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको लगता है, आपको पॉजिटिव फीलिंग आती है कि आप स्मोकिंग नहीं करते हो, आप अपना ख्याल रख रहे हो, तो थोड़ा सा मैं आपको नेगेटिव करना चाहता हूं कि आप अपना ख्याल इतना ज्यादा नहीं रख रहे हो, बिकॉज हमारे इंडिया में अब लीडिंग कॉज जो है डिजीज बर्डन का, वो एयर पोल्यूशन बन रहा है। और दोस्तों ये भी रिपोर्ट में पाया गया कि जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया में, वो 1.7 ईयर्स कम है। किस कंपैरिजन पे, अगर एयर पोल्यूशन इंडिया में कम होता तो 1.7 ईयर लाइफ ज्यादा होती। तो सिंपल, इसको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझाने की बात करूं, मान लीजिए कोई एवरेज इंडियन 68 ईयर्स की लाइफ उसकी है, तो अगर दोस्तों एयर पोल्यूशन जो अभी बहुत ज्यादा है वो मिनिमम लेवल से कम होता, तो वो जो बंदा था वो 60, उसकी लाइफ जो अभी 68 ईयर्स है एवरेज, वो होती 69.7 ईयर्स। तो 1.7 ईयर्स का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये एवरेज है, इसको आप ये नहीं बोल सकते कि सभी पे 1.7 का इम्पैक्ट पड़ रहा है, कई लोगों पे ज्यादा पड़ रहा है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जिनकी बॉडी वीक है, और कई लोगों के ऊपर कम पड़ रहा है, तो ये डिपेंड करता है। तो उसमें देखिए दोस्तों, अभी जो रिपोर्ट में और देखा गया, तो ये देखा गया कि 2017 में 12.4 लाख डेथ्स इन इंडिया वर ड्यू टू एयर पोल्यूशन। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा कॉज है कि 12.5 लाख डेथ्स हो जाती हैं इंडिया में एयर पोल्यूशन की वजह से। तो दोस्तों ये तो मैं आपको सिर्फ मोर्बिडिटी, ये आपको मोर्टेलिटी बता रहा हूं, अभी मोर्बिडिटी की तो मैंने बात ही नहीं की कि बीमारियां कितनी होती हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। तो जो इस एयर पोल्यूशन की वजह से जो डेथ्स हुई हैं, 12.4 लाख डेथ्स, तो अगर इनको इसको थोड़ा सा तोड़ के देखा जाए तो 6.7 लाख डेथ्स जो हुई हैं वो आउटडोर एयर पोल्यूशन की वजह से हुई हैं, जो घर के बाहर होता है, और 4.8 लाख जो डेथ्स हुई हैं वो घर के एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। तो आप देख सकते हो, और एक रिपोर्ट ने यह भी पाया कि देखिए हमारे ना दोस्तों नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। ये स्टैंडर्ड्स आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, एक एक लेवल है बेसिकली, ये सेफ लिमिट सेट करते हैं कि हाँ देखिए इतना पोल्यूशन ह्यूमन बींग्स के लिए सेफ है। सर्टनली पोल्यूशन सेफ तो नहीं है, बट लेकिन एक फिर भी मार्क बनाया हुआ है कि इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा काम खराब होगा। लेकिन यह भी पाया गया कि हमारे जो 77% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन है, वो जो है एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की जो सेफ लिमिट है उसके ऊपर के एयर पोल्यूशन को फेस कर रही है। तो सर्टनली ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है मोर्टेलिटी के लिए भी, डेथ्स के लिए भी,
और मॉर्बिडिटी के लिए भी जो बीमारियां हैं एयर पोल्यूशन को लेके। तो एयर पोल्यूशन को लेके काफी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कि जैसे क्रॉनिक लंग डिजीजेज हो जाती हैं, आपकी रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो जाती हैं। तो इसमें देखिए एयर ये और रिपोर्ट ने ये भी पाया कि अब जो है एयर पोल्यूशन लीडिंग फैक्टर बन चुका है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज का, जैसे आपका न्यूमोनिया हो गया, लंग कैंसर हो गया या और रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो गई वो। तो दोस्तों ये रिपोर्ट की एक ब्रीफ हाईलाइट थी, और मैं सर्टनली आपको यही बोल रहा हूं कि मैं इस वीडियो में पूरा तरह से ये नहीं बोल सकता कि आपको मैंने एयर पोल्यूशन के पूरे इफेक्ट्स समझा दिए हैं। अभी आप इकोनॉमिकली कैलकुलेट करो तो सर्टनली बहुत ज्यादा हमारा जो कॉस्ट है वो इकोनॉमिकली भी हमें झेलनी पड़ रही है एयर पोल्यूशन की वजह से। बहुत सारा जो हमारा जीडीपी है, सिंपली अब सिंपल बात देखिए दोस्तों, आप हो अगर भगवान ना करे आप बीमार पड़ते हो तो सर्टनली आपके काम पे असर पड़ता है, आप काम नहीं कर पाते हो, आप अर्न नहीं कर पाते हो, या आप बीमार पड़ते हो आप हॉस्पिटल्स को पैसे देते हो, तो जो पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते थे वो पैसे आपके क्या हैं, हॉस्पिटल्स पे लग रहे हैं, दवाइयों पे लग रहे हैं, और वो जो पैसे इन्वेस्ट हो सकते थे जिससे किसी को जॉब मिल सकती थी, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ सकती थी, तो उन्हीं पैसों से अब क्या हो रहा है, हेल्थ पे स्पेंडिंग हो रही है। और गवर्नमेंट भी जो पैसों से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती थी, अच्छे अच्छे स्कूल्स बना सकती थी, रोड्स बना सकती थी और डेवलपमेंट पे पैसा खर्च कर सकती थी, अब वही पैसा गवर्नमेंट को हेल्थ पे खर्च करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी तो कॉस्ट होगी ही होगी। तो थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया देने का कोशिश किया, और आपको बहुत ज्यादा मैंने डराने की कोशिश की है, इसलिए प्लीज थोड़ा डरिए, प्लीज थोड़ा डरिए। ये ही ये जो पर्पस है वीडियो बनाने का, ये टीच करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग देने के लिए है, कि ताकि आप भी डरें और लोगों को भी डराएं। और इतना ज्यादा इस वीडियो को प्लीज शेयर करें कि असर लोगों के दिमाग के ऊपर पड़े कि आप क्या कर रहे हो। बिकॉज हम आजकल आज का टाइम है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छोड़ के हम अपने प्राइवेट व्हीकल्स यूज करते हैं, हम फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, हम एसी नहीं बंद होने देते, कार्स नहीं बंद होने देते, अपनी रेड लाइट्स पे खड़े होते हैं, कार्स चल रही होती हैं, और मतलब हर टाइप की जो आप बात करते हो कि मतलब वेस्ट भी है, जो हमारी वेस्ट जनरेट होता है उसको भी हम जला देते हैं। तो ये दोस्तों हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना ज्यादा खुद को चेंज करते हैं, तो प्लीज थोड़ा डरिए और खुद को चेंज करिए ताकि हम बेटर फ्यूचर जो हमारी जनरेशन आने वाली हैं उनको दे सके। तो यही पर्पस था दोस्तों आज की वीडियो बनाने का। तो अल्टीमेटली आपको मैं बता दूं कि ऑब्वियसली हमारा चैनल तो है आईएएस की तैयारी हम करवाते हैं, अचीव आईएएस हमारे चैनल का नाम है, तो रिक्वेस्ट आपको यही है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तैयारी के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपके ओपिनियन क्या है, और सर्टनली अगर मैं आपसे ये तो एक्सपेक्ट करूंगा ही करूंगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।